दोस्तों, जब किसी रिलेशनशिप में धीरे धीरे से आपका इंपॉर्टेंस कम होने लगता है ना, उसी तरह से आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हो। क्योंकि यार, ये चीज़ें ना आपको साफ साफ समझ में आती है, साफ साफ दिखती है कि इसी रिलेशनशिप में जब स्टार्टिंग में वो पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था मुझे सिर्फ स्पेशल फील करवाने के लिए, लेकिन आजकल वो इंसान अच्छी तरह से मुझे पूछता भी नहीं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको क्लियर होने लगती है कि भाई, इस रिश्ते से मेरा इंपॉर्टेंस कम होने लगा है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो पर्सन भी तो वही है और मैं भी तो वही हूँ। तब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी, तो फिर भी अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बदलने क्यों लगी है? तो इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब रिलेशन स्टार्ट होता है ना, तब लोग एज अ पार्टनर आप में क्या चीज़ें ढूंढते हैं, तब वो यही ढूंढते हैं कि सामने वाला पर्सन ना बहुत केयरिंग होना चाहिए, बहुत लॉयल होना चाहिए, बस और उस इंसान में कुछ नहीं होना चाहिए, बस आपके ना अच्छे अच्छे गुण देखते हैं। एंड किसी भी इंसान को आप पूछ लीजिए कि आपको कैसे पार्टनर चाहिए, तो वो आपको यही बोलेगा कि भाई, वो बंदा ना लॉयल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा बंदा होना चाहिए, अच्छी लड़की होना चाहिए, ऐसी बातें करेंगे। और यही चीज़ रियलिटी होती है रिलेशन के स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे रिलेशन आगे बढ़ता है, आप लॉयल पर्सन होते, आप केयरिंग होते, बहुत अच्छे होते, एंड आप अपना प्यार केयर उनको देते, उसके बाद क्या होता है कि टाइम के साथ जो उनकी डिज़ायर थी एक अच्छे पर्सन को पाने के लिए, उनका प्यार, उनकी केयर पाने के लिए, वो आपसे ना संतुष्ट हो जाती है, एंड वो अब इन चीज़ों से ना सेटिस्फाइड होने लगते हैं। फिर दोस्तों, होता ये है कि अब उनके लिए एक आइडियल पार्टनर की जो डेफिनेशन है ना, वही बदल जाती है। फिर वो आपके अंदर नहीं देखते कि आप अंदर से कितने अच्छे पर्सन हो, फिर वो बाहर की आपकी लाइफस्टाइल को देखते कि भाई, मतलब आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते, आपको कैसा अच्छा करियर है, आप कितने हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप मतलब उनको कितना इग्नोर करके अपने बारे में सोचते हो, यही सारी चीज़ें ना फिर उनको अट्रैक्टिव लगती है। क्यों? क्योंकि अब ना उनकी जो आइडियल पार्टनर की जो डेफिनेशन थी वो कम्प्लीटली बदल गई है। फिर वो आपकी बाहर की दुनिया, आपकी लाइफस्टाइल, आपके पैसे, इन सारी चीज़ों से आपको जज करते, दूसरों लोगों से कंपेयर करते, और कहीं ना कहीं अगर आपकी इन चीज़ों में उनका वो अट्रैक्शन नहीं बन पाया, उनका वो लेवल नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं समय के साथ रिश्ते में आपका इम्पोर्टेंस कम होने लगता है। अब आपको शायद ये लगेगा कि यार, सारे लोग थोड़ी ना ऐसे होंगे, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन हर इंसान क्या इसी तरह से मुझे किसी भी रिलेशनशिप में जज करेगा? मैं डेफिनेटली ये बात आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, एक अच्छा इंसान, एक बुरे इंसान में फ़र्क बहुत होता है, लेकिन हर इंसान के लिए स्टार्टिंग में एक आइडियल पार्टनर की डेफिनेशन होती है ना, समय के साथ बदलती है। एक अच्छा इंसान होता है वो उस हिसाब से आपको ट्रीट करेगा, एक बुरा इंसान होता है वो उस हिसाब से आपको ट्रीट करेगा, लेकिन दोनों के लिए ना ये डेफिनेशन है टाइम के साथ बदलते। क्यों? क्योंकि उनकी वो डिज़ायर थी एक अच्छे पार्टनर की, वो फुलफिल हो गई है, इसलिए वो बाहर की चीज़ों से आपको कंपेयर करेगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि पहले लोग ना आपके गुणों से आपको कंपेयर करते, और समय के साथ वो ना ये देखते कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपके पास कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, लोग आपको कैसे ट्रीट करके, यानी कि टोटली बाहर की चीज़ों से आप कितने बेहतरीन पर्सन हो, इन चीज़ों से वो आपको कंपेयर करते। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रिश्ते में अभी हाल में हो जहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी है, तो पहले तो परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप परेशान होना छोड़ दोगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। एंड उसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारी सिंपल चीज़ है कि जो भी एनर्जी, जो भी हम उनके बारे में सोचने के लिए या इन चीज़ों को सही करने के लिए मेहनत करें ना, तो वो ध्यान, वो एफर्ट वहाँ से उठा के अपनी लाइफ में लगाना चाहे। इसमें होता ये है कि डेफिनेटली इसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ डेफिनेटली अगर आप इतना एफर्ट अपनी लाइफ में लगाओगे तो चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली धीरे धीरे बदलने वाली है। क्योंकि इस रिश्ते में आप ये मानोगे कि आपके साथ ऐसा हुआ तो ये रिलेशन ख़राब हो गया, शायद लाइफ में आपको एक अलग पर्सन मिलेगा जो आपकी चीज़ों को समझेगा और इस हिसाब से आपके साथ बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, पहले उनके डिज़ायर कुछ अलग होंगे और समय के साथ उनके डिज़ायर बदलेंगे। अब आप ऐसा सोचते हो कि यार, लाइफ में मैं कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लूँ जिनके डिज़ायर बदले नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। क्योंकि हाँ, अगर एक बहुत अच्छा इंसान होगा ना, तो वो आपके साथ इतनी बुरी चीज़ नहीं करेगा, उस तरह से आपको फील नहीं करवाएगा जो अभी शायद इस रिलेशनशिप में हो रहा है। पर हर इंसान के लिए आपके जो डिज़ायर है ना, वो बदलते जरूरी है। तो जब कभी आप ऐसे रिलेशन में फंस जाते हो, तो उनके साथ फाइट करने से कोई बात नहीं बनेगी, ब्रेकअप होगा, डिस्टेंस बनेगा, ना उनको समझाने या मनाने से कोई चीज़ होने वाली है।
आपको सिंपली अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाना है, ये बात याद रखनी है। जस्ट ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि आज कोई इंसान आपको बड़ा पसंद करता है, आपको बड़ा प्यार करता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप उनको बहुत प्यार करते हो और इसीलिए वो आपको हमेशा प्यार करता रहेगा। नहीं, एक समय पर जो इंसान आप में प्यार चाहता है ना, एक टाइम के बाद वही इंसान आपकी अच्छी लाइफस्टाइल के कारण आपको इम्पोर्टेंस देता है। शायद ये बात एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता, शायद ये बात सच नहीं लगती, लेकिन पूरी लाइफ में आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि यही सत्य है। थैंक यू सो मच।